आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है ये सेल्फ डिफेंस को लेकर है, विमेन सेल्फ डिफेंस के अंदर किस तरीके से किकबॉक्सिंग की टेक्निक्स को यूज़ किया जाए और कैसे उसको हम डे टू डे रूटीन लाइफ में अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन हमारा फोकस इसी बात पर है। प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम इसके अंदर ये एक हमने पूरे जम्मू सिटी के अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमने ये अपना इनविटेशन दिया था और अलग अलग कॉर्नर से ये हमारे पास बच्चियां आई हैं जिनको हमारा मेन फोकस इसी बात पर है कि इनके सेल्फ डिफेंस के अंदर कैसे इनको यूज़ अपनी किक बॉक्सिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनका उत्साह देख के मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हुई है और मैं चाहूँगा कि इस तरह के वर्कशॉप दोबारा से हम कंडक्ट करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को लाभ मिल सके। आज हम किकबॉक्सिंग के कैंप पे आए हैं और यहाँ पे जब मुझे पता चला कि किकबॉक्सिंग में सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा और सेल्फ डिफेंस कैसे कैसे किया जाएगा, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पर वुमेंस को बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, क्योंकि हम जगह जगह पर देखते हैं हरेसमेंट का होता है, केसेज आ रहे हैं जहाँ या फिर रेप केसेज आ रहे हैं, तो अगर वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपने जो लड़ाई है वो खुद लड़ सकती है, ये सारी वारदातें जो होती हैं उनको रोक सकती है, पहले ही होने से पहले ही रोक सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि किकबॉक्सिंग का जो कैंप है कि दोबारा हो और सभी जो वुमेंस हैं न्यू आएँ और इसको टेक्निक्स को सीखें। एंड थैंक यू फॉर दिस कैम्प। आज हमें यहाँ पे किकबॉक्सिंग के लिए बुलाया था, सिखाने के लिए बुलाया था, बट हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में भी उन्होंने सिखाया कि क्योंकि पता है हमें कि गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बसेस में, रोड्स पे, हर जगह पे। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे छोटी मोटी चीज़ें जो हम करके अपने आप को सेव कर सकते हैं उनसे।